सो बैटल ऑफ द टेबल टॉपर्स। हां जी गाइस, आरआर वर्सेस केकेआर, लेकिन ये मैच खेला जाएगा ईडन गार्डन में, तो केकेआर वर्सेस आरएन मैच होने वाला है। लास्ट मैच आपने देखा ही था, केकेआर तो जीत के आई है, आरआर भी जीत के आई है, लेकिन आरआर भाई बिल्कुल जो कहते हैं ना लास्ट मैच थ्रिलर वो हुआ था। केकेआर तो बड़े आराम से जीत, केकेआर तो भाई इजीली विन था वो एलएसजी के खिलाफ, तो वो तो हमने बोला ही था जोन से की मैच जीत जाएगी, टेबल के टॉप पे पहुंच जाएगी, टेबल के टॉप पे भी पहुंच जाएगी, क्वालिफायर में भी दिक्कत नहीं आएगी उन्हें, और एक कदम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उनका क्वालिफायर के लिए। बाकी क्या नाम है, अश्विन और बटल खेलेंगे के? हाँ देखो यार, इस मैच में तो बनता है, ईडन गार्डन में मैच हो रहा है, और ऊपर से आरआर का जो देखो कोटलिंग को खिलाते हैं उन्होंने, वो इंटेंट तेज वाला है नहीं, इंजर्ड थे क्या बटल? नहीं इंजर्ड नहीं थे, रेस्ट दिया था, और अश्विन को भी, अश्विन को भी रेस्ट दिया था क्योंकि इंजरी नहीं बोल के दिया, सिंपल बोला था थ्री चेंजेस, मतलब मौका देना चाहते थे, ट्राई करना चाहते थे, उन्हें भी पता था पंजाब किंग्स नहीं हाँ। पंजाब किंग्स के साथ मैच है, जो पॉइंट्स चाहिए नए प्लेयरों को ट्राई कर लेते हैं। और ये मेरे को एक अच्छी चीज भी लगी कि तुम मैच जो अभी तक तुम्हारे 5-6 मैच ही हुए हैं और तुम जीत के आ रहे हो, एक ही मैच हारे थे जब तक वो, तो मतलब एक अभी से तुम अपने बेंच स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हो, देखना चाह रहे हो कौन सा प्लेयर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है यार, तो वो अच्छी चीज, मैं कहूंगा रिलैक्स करो, कोई भी जीते हारे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से बैठो, पॉपकॉर्न की बोलो और मजे से मैच देखो, एंजॉय करो मैच, क्योंकि ब्लॉकबस्टर होने वाला है मैच भी, रात का मैच है, दिन का मैच नहीं होगा, रात का मैच है, केकेआर के तो भाई हिटर भाई, रात का मैच है और मजा आएगा मैं कह रहा हूं। और डोंट बी अ गंभीर, बी अ मतलब उसकी टीम जैसे रहो पर गंभीर की तरह गंभीर मत रहो। हां सही बात है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बड़ा पर मैच बड़ा गंभीर होने वाला है, मैच बड़ा क्योंकि दोनों टीम की ताकत बड़ी स्ट्रॉन्ग है, दोनों टीम की बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है, अगर बटलर आ गए वापस, आर अश्विन वापस आ गए, नांडर बर्गर वापस आ गए, तो आरआर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लाइनअप के साथ उतरने वाली है। भाई बर्गर का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बीच में हटाए क्योंकि हम उसे हटाए थे क्योंकि अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे थे, या तो वही है कि शायद ट्राई करना चाह रहे थे, आरआर इतनी कॉन्फिडेंट है कि भाई साहब हम तो क्वालिफायर बन खेल रहे हैं, अब हम सबको खिलाएंगे है, मतलब तो हाँ, वरना देखो आपकी बात मैं समझ गया हाँ। लेकिन क्या होता है ना कि बेस्ट 11 ढूंढने के लिए, जैसे आर अश्विन है वो बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्रूशियल मैचेस में आके बैटिंग से कंट्रीब्यूशन से दे जाते हैं, लेकिन एज अ बैकअप की ये इनका लास्ट सीजन भी हो सकता है, अगला लास्ट सीजन हो सकता है, तो आगे के मैचेस में हम कैसे यूज करें और प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को। लास्ट सीजन किस लिए कह रहे हो आप, मतलब आरआर के लिए क्योंकि अगले साल ऑप्शन होगा, मेगा ऑप्शन है, मेगा ऑप्शन है भाई, अश्विन अभी तो आईपीएल बहुत खेलने वाले, नहीं अश्विन आईपीएल खेलेगा लेकिन अगला है मेगा ऑप्शन, रिटेन कर, रिटेन की लिस्ट भी देखेगी ये, अगर जैसे आईपीएल में कोटली जैसे इनके जो 11 जो इनके 25 प्लेयर है वो ऑप्शन में जाएंगे, तो उनमें से किस पे दावा लगा सकते हैं, तो वो चीज हो सकती है, इतनी ज्यादा आगे की सोच सोच हो सकती है, क्योंकि अगर 25 में मेगा ऑप्शन हो रहा है ना, तो इतना सा एक सोच के खेल रहे होंगे वो, मतलब क्योंकि सिर्फ आप नेट प्लेयर और मतलब नेट में ट्रेनिंग करा के नहीं सोच सकते कि हमारा प्लेयर भाई तो आधा आईपीएल भी नहीं हुआ और अब इनको अभी से इतना कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं आधा आईपीएल हुआ वो मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन आप एक ही मैच हारे, सही बात है, आधा आईपीएल भी नहीं हुआ, आर्ची तो भारी हो गई, बहुत चीजें तो वैसे क्लियर हो ही गई, और आप जब सारे मैच जीत के आ रहे हो और आप 5 में से एक ही मैच हारे हो, तो आप 6 मैच में क्यों ना ट्राई करें। ठीक है भाई, बिल्कुल सोच को सलाम है, फिर अगर ऐसी सोच है तो बढ़िया है, फिर आपको आपके प्लेयरों की औकात में तो पता चल जाएगी, अच्छी बात है। बाकी केकेआर भी यार मेरे को लग नहीं था केकेआर का कंपटीशन कुछ होगा इस साल यार, मतलब हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है मुझे यार, बैटिंग ना बहुत डीप है, एक ही बंदा नहीं, देखो बैटिंग तो है ही, वो तो उस पर तो क्या ही बोले, वो तो दुनिया को पता है, बॉलिंग में स्टार का फॉर्म नहीं आ रहा था, वो भी 3 विकेट ले गया, 3 विकेट ले गया, 2 विकेट भी ली थी, हर्षित राणा वापस आ गया, हर्षित राणा वापस आ गया, वैभव अरोड़ा, स्पिनर्स तो क्या ही बिल्कुल, स्पिनर दोनों बेस्ट स्पिनर है, तो 5 के 5 जो इनके बॉलर है ना, और आंड्रे रसेल भी बॉलिंग करके दे देते हैं, तो ये जो 6 है ये बेस्ट पेसर और और ये बैटल ऑफ स्पिनर्स भी होने वाला है, अगर वहां से अश्विन और यूजी होंगे तो यहाँ से आपके वरुण और वो होंगे, क्या नाम है, नारायण, एक्सपीरियंस वर्सेस यंग, आपके पास एक तरफ बोल्ट है तो एक तरफ स्टॉक है, हाँ हाँ सही बात है, और अगर बर्गर भी आ गए तो और भाई आर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और किस कौन सा बैट्समैन लग रहा है जो फाड़े बैट्समैन हो,
भाई देखो मेरे को तो नारायण लग रहा है इस मैच में फाड़ने वाला, मतलब ओवरऑल या बैटिंग से कह रहे हो? बैटिंग से, बॉलिंग से चाहे एक विकेट आए ना आए, बैटिंग से वो बहुत 50 प्लस रन मार देगा। मुझे लग रहा है यार ये वैसी पिच है जहाँ पे जायसवाल जैसे बैट्समैन को मदद मिलेगी। हाँ अब क्योंकि स्ट्रोक्स की वैल्यू है इनके कारण, तो मैं चाहता हूँ भाई बिल्कुल कि एक जायसवाल की तगड़ी नौका। भाई मैं कुछ चाहता हूँ जायसवाल की तगड़ी नौका है, आईपीएल के चलते नहीं भाई, क्योंकि वर्ल्ड कप भी देखना है, क्योंकि वर्ल्ड कप के नजरिए से भी उन्हें अभी के जो 14 मैचेस है ना ये, जिसमें से 6 तो चले गए, तो 8 मैचेस में उन्हें अपनी फॉर्म वापस लेके आनी पड़ेगी, तभी वर्ल्ड कप में वो खुल के खेल पाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है बोल्ड इस मैच में ना फुटबॉल खेलने वाले हैं, क्योंकि ना आप ये देखो ओपनिंग करते हैं नारायण और सॉल्ट। यार बोल्ड कर सकते हैं, फुटबॉल खिला सकते हैं, ईडन गार्डन में पेस को मदद है। हाँ पेस को मदद है, रात का मैच है, इंटरलाइट ऑफस्विंग होती है, वो मैं आपके पास समझ गया, लेकिन ना सामने ना नारायण है, वो आपकी स्विंग काट देंगे आगे बढ़ के, वो आगे बढ़ के छक्का मार सकते हैं। चलो और वो आप देख भी रहे हो हर शॉट में आगे बढ़ जाते हैं, तो वहां पे वो चीज है। और अगर सोल्ट को आप थोड़ी सी ऑफ साइड दे दो, वो कवर के ऊपर से छक्का मार देता है, वो टाइमिंग बढ़िया है। मार्को जैनसन को 3 छक्के मारते उनकी वापसी नहीं हो पाई टीम में। मार्को जैनसन को तो जब से रोहित शर्मा ने खेला ना भाई, उसकी तो लाइन ऑन लेंथ ही बिगड़ गई, पता ही नहीं चला कहां गया वो। तो वही बात है कि दोनों साइड अच्छी खासी बैटिंग है, बॉलिंग है, ऑलराउंडर बेस्ट है, तो एक धमाकेदार मैच होने वाला। बाकी यार ये सीरियस है, अगर थोड़ा खुल के खेल लेना थोड़ा तो भला है इसकी टीम का। बाकी किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मैं इस मैच में केकेआर के साथ जा रहा हूँ, और मैं इस मैच में जा रहा हूँ राजस्थान के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ बोल्ड भाई फुटबॉल खिला दे उन्हें, ठीक है? इस बार हम बोल्ड को वो खिलाएंगे 50-50। नहीं बढ़िया 20-20 खिला दो, उतना ही वहीं काम है। 4 ओवर में 50 खिलाने की बात कर रहे हैं। ओके 4 ओवर में 50 बोल्ड भी फिर ऑरेंज कैप की रेस में आ रहा है उस्ताद हर्षल पटेल के साथ। जन्नत बाबा हमारे टेलीग्राम पे आपको प्रेडिक्शन देते हैं कौन सा कौन सी टीम मैच जीतने वाली है, और गिव अवे वीडियो भी देखना हमारे, उसमें भी आपको जो भी प्राइज मनी होगी, हमने लास्ट मैच में 500 कर दी थी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप आराम से गेस कर सकते हो, तो आप 500-200 रुपए जो भी हमारी प्राइज मनी हो सकती है वो आप जीत सकते हो। बाकी थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर मैक्स प्रोटीन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर